नमस्कार जैन, कैसे आप लोग? गाइस आशा करती हूं आप लोग अच्छे होंगे, मजे में। उनका स्वागत है फिर से एक बार क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के यूट्यूब चैनल में। और मैं लेकर आई हूं आईपीएल मैच नंबर 26, जिसमें बात करेंगे डीसी वर्सेस एलएसजी के बारे में। तो फाइनल प्रेडिक्शन करने से पहले, अगर आपको एक टॉस मैच का रिजल्ट चाहिए तो लेग्स वाई का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो मैंने पर्सनली इनका काम चेक कर लिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस आप लोग भी उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो गाइस बात करेंगे आईपीएल की दो सबसे पड़ोसी टीम्स लखनऊ और दिल्ली के बीच आईपीएल का मैच नंबर 26 खेला जाएगा, जिसमें एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, तो दूसरी साइड है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ अर्श पर है तो दिल्ली टीम फर्स्ट पर है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं 26 मैच के कंप्लीट एनालिसिस। यह मैच 12 अप्रैल को लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में खेला जाएगा। हेड टू हेड की बात किया जाए तो टोटल मैच खेले गए हैं, जिसमें से डीसी का हुआ है 0 और एलएसजी का हुआ है 3। अब बात करते हैं गाइस पिच रिपोर्ट की। तो लखनऊ की पिच हमेशा है सेफ बॉलर्स को सूट करती है और स्पिनर को यहाँ पे हेल्प मिलती है, और बैटर्स को शुरुआती ओवर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ से इनिंग में ड्यू फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। टॉस जीतकर टीम यहाँ पर पहले बॉलिंग करेगी। और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो लखनऊ में इस वक्त वेदर क्लियर रहेगा, रेन चांसेस 5% रहेगी और ह्यूमिडिटी 53% और टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो विनिंग परसेंटेज की बात करें तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 56%, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 44%। एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 155 और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 142। अब दोस्तों बात करते हैं लखनऊ सुपर एनालिसिस की। तो टूर्नामेंट में टीम ने अब तक अच्छा परफॉर्म किया है और टीम ने एक हार के बाद लगातार 3 मैच जीत कर दर्ज की है। लास्ट गेम में टीम ने गुजरात को घर में ही हरा दिया। टीम के लिए ओपनिंग क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल कर रहे हैं और नंबर 3 पर है देवदूत पडिक्कल को लगातार मौका मिल रहा है, लेकिन वो अब तक आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। और आयुष और बडोनी भी इस साल में टीम के लिए रन नहीं बना पाए ऑल ओवर में। मार्कस स्टोनिस ने लास्ट गेम में 58 रन बनाए थे, जबकि वेस्ट इंडीज ने निकोलस पुरान भी लगातार रन बना रहे हैं। तो वो टीम के लीडिंग रन स्कोरर है। टीम की बॉलिंग स्ट्रांग है और यशव ठाकुर को लास्ट गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए 5 विकेट लिए थे और नवीन उलहक अब तक उतना विकेट नहीं ले पा रहे हैं। इस मैच में वे टीम वेस्ट इंडीज के शमर जोसेफ को चांस दे सकती है और स्पिन बॉलिंग में रवि बिश्नोई टीम के लिए ट्रंप कार्ड है और कृणाल पांडे भी लगातार विकेट ले रहे हैं। आईपीएल की सनसनी मयंक यादव को लास्ट मैच में इंजरी हुई थी और जिसके चलते वो एक ओवर ही डाल पाए थे, और इस मैच में उनके खेलने पर सस्पेंस है। और सिद्धार्थ को भी मौका मिला था। और प्लेइंग आर्डर की बात करें तो क्विंटन डी कॉक, केएल राहुल, देवदूत और निकोलस पुरान, आयुष बैडबोनी, मार्कस स्टोनिस, कृणाल पांडे, रवि बिश्नोई, नवीन उलहक, मयंक यादव, मयूस खान और यश ठाकुर। दिल्ली कैपिटल्स और एनालिसिस की बात करें तो टीम का टूर्नामेंट में स्टार खराब रहा है और एकजुट होकर परफॉर्म नहीं कर पा रही है और टीम के लिए अब तक कुछ अच्छा नहीं है। और टीम अब तक 5 मैच खेलकर बस एक में ही जीत हासिल की है और लास्ट गेम में टीम मुंबई से बुरी तरह हार गई थी। टीम की बॉलिंग उसकी सबसे कमजोरी है और टीम के लास्ट गेम में मिचेल मार्श की जगह एक बॉलर जेस रिचर्डसन को मौका दिया गया था, लेकिन वो भी फ्लॉप रहे हैं। और टीम के हैरी ब्रॉक भी रिप्लेसमेंट के तौर पर साउथ अफ्रीका के ये लिजर्ड विलियम्स को साइन किया गया है और जल्दी ही वो खेलने के लिए नजर आ सकते हैं। और टॉप ऑर्डर में डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ ने स्टार्ट कर रहे हैं और पृथ्वी ने लास्ट मैच में 66 रन बनाए थे। नंबर 3 पर है अभिषेक परवल, जो कि वो भी 41 रन बनाए थे। कप्तान पंत भी अच्छे फॉर्म में है। जस्टिन स्टम्स वे टीम के लीडिंग रन स्कोरर है। स्टम्स ने लास्ट गेम में 24 बॉल में 71 रन बनाए थे। बॉलिंग में टीम बहुत महंगी थी और साउथ अफ्रीका के पेसर हेनड्रिक्स और नॉर्टिजी इस वक्त में बहुत महंगी बॉलिंग कर रहे हैं और इस मैच में वो ड्रॉप हो सकते हैं। और मुकेश कुमार लास्ट गेम में वो चोट के चलते बाहर थे और खलील अहमद भी टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल हैं और ईशांत शर्मा भी अब तक अनइफेक्टिव दिख रहे हैं। और डीसी प्लेइंग आर्डर की बात करें तो पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, अभिषेक पोरल, क्रिस्टियन स्टर्म्स, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, अरित यादव, जेस रिचर्डसन, खलील अहमद और ईशांत शर्मा और हेनड्रिक्स नॉर्थिस। अब दोस्तों चलते हैं ड्रीम प्लेइंग फैंटेसी टीम की ओर। तो विकेट कीपर है केएल राहुल और बैटर्स में शामिल है ऋषभ पंत, निकोलस पुरान, क्रिस्टियन स्टर्म्स, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। बॉलिंग में शामिल है रवि बिश्नोई, खलील अहमद और यश ठाकुर, और लंडन में शामिल है मार्कस स्टोनिस और अक्षर पटेल। तो गाइस अब बात करें प्रेडिक्शन की तो दोनों टीम स्ट्रांग है और ओवरऑल रिकॉर्ड में राहुल ये लखनऊ बहुत आगे है, क्योंकि दिल्ली अब तक लखनऊ को हरा नहीं पाई है। लेकिन इस बार स्क्वाड और टीम की ताकत और कंसिस्टेंसी को देखते हुए होम कंडीशन का फायदा उठाकर मैच का विनर
एनएससी हो सकता है, लखनऊ हो सकता है। तो गाइस आशा करती हूं आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको मिलेंगे क्रिकेट से जुड़ी मैच एनालिसिस, मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़।